ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। মন কি বাতে কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী সরাসরি শুনে নেব এবার। साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं, आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in www.gallantryawards.gov.in। आप उसको जरूर विजिट करें, वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी। और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, और मैं तो कहूंगा बार बार कीजिए।